16 दिसंबर 2012 की शाम को हुई एक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक लड़की अपने पुरुष मित्र के साथ एक निजी बस में घर लौट रही थी कि तभी उसके साथ गैंगरेप किया गया, उसे पीटा और प्रताड़ित किया गया। यह मानवीय कृत्य क्रूरता की पराकाष्ठा था। उस लड़की ने जो भोगा उसका वर्णन करने की सामर्थ्य शब्दों में नहीं है। उसने नराधमों का जीवट से सामना किया और बाद में जीवन के लिए भी बहुत संघर्ष किया। पूरे देश ने उसके ठीक होने के लिए प्रार्थना की, लेकिन अंततः 28 दिसंबर को उसने अपनी जान गंवा दी। सभी देशवासी चाहते हैं कि भविष्य में कभी भी इस तरह के मामले ना हों, इसलिए कुछ सवालों पर विचार करना बहुत जरूरी है। आइए विस्तार से इस विषय पर चर्चा करते हैं। इस घटना के सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये नराधम थे राम सिंह, मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और एक सबसे क्रूर हत्यारा, जिसे 17 वर्षीय मानकर न केवल महज 3 वर्ष में ही 20 दिसंबर 2015 को कुला छोड़ दिया गया, बल्कि पुनर्वास के नाम पर दिल्ली सरकार ने उसे आर्थिक मदद भी प्रदान की। 11 मार्च को उपरोक्त अपराधियों में से एक राम सिंह का शव वेंटिलेटर पर लटका हुआ पाया गया। आज जब शेष चारों हत्यारों को फांसी पर लटका दिया गया है, तब अधिकांश पत्रकार और बुद्धिजीवी भारतीय न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि आखिर इन लोगों को सजा मिलने में लगभग 8 वर्ष क्यों लगे। हर कोई जानता था कि ये राक्षस केवल मौत की सजा के ही लायक थे। इन राक्षसों के खिलाफ सारे सबूत थे तो भी इन्हें फांसी देने में न्यायपालिका को 8 वर्ष लगे, और वह भी तब जब निर्भया की जागरूक मां ने सतत प्रयत्न किया और सार्वजनिक आक्रोश को देखते हुए त्वरित निर्णय के नाम पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी स्थापना की गई। यह प्रकरण दर्शाता है कि हमारी न्यायपालिका कितनी लचर है और मामलों को किस तरह से घुमाया और लटकाया जा सकता है, इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति तल्खी भी बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि जब तेलंगाना में बलात्कारी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, तब पूरे देश ने जश्न मनाया। यह जश्न न्यायपालिका और विधायिका के प्रति एक प्रकार की अनास्था का प्रकटीकरण था, इसे समझा जाना चाहिए। शासन प्रशासन को विचार करना चाहिए कि ऐसे समाज विरोधी कार्यों के लिए राष्ट्रपति के पास दया याचिका का क्या औचित्य। दूसरी ओर समाज को भी इंदिरा जयसिंह जैसी तथाकथित बुद्धिजीवियों से पूछना चाहिए कि उन्होंने निर्भया की मां को यह सुझाव देने की हिमाकत कैसे की कि वे बलात्कारियों को माफ कर दें। उनसे पूछा जाना चाहिए कि यदि उनकी बेटी या माँ के साथ ऐसा हुआ होता तो वे क्या कहती। शर्म आती है कि ऐसे लोग हमारे समाज में हैं। एक दूसरे अहम सवाल पर भी विचार करना चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रपति तक पहुंच बनाने वाले वकीलों को फीस किसने दी। या यह भी ध्यान देने योग्य है कि निर्भया के हत्यारे, चारों बलात्कारी, एक निजी बस के ड्राइवर, कंडक्टर, खलासी, क्लीनर का काम करते थे, अतः उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि स्थिति का आकलन आसानी से किया जा सकता है। पूरा देश इस कटु सत्य से भी भलीभांति परिचित है कि भारतीय अदालतों में मुकदमेबाजी कितनी महंगी है, विशेषकर जब यह मुकदमेबाजी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है। इसके बाद भी बलात्कारियों के चालबाज वकीलों ने पहले निचली अदालतों में और फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या निःशुल्क पैरवी की होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी पाए जाने के बाद समीक्षा याचिका, उसके बाद क्यूरेटिव याचिका और फिर एक के बाद दूसरे अपराधी द्वारा राष्ट्रपति को दया याचिका और उसके बाद भी न्यायालयीन प्रक्रिया को विलंबित करना क्या दर्शाता है। इसमें लगने वाला धन, वकीलों की फीस किसने दी, कहां से आई, यह सवाल पूछना सबसे जरूरी है। इसकी जांच करना चाहिए और जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाने चाहिए। उपरोक्त पूरे घटनाक्रम से यह तो निश्चित है कि कुछ बहुत बड़ी और अदृश्य शक्तियां इन हत्यारों के बचाव के लिए जमीन आसमान एक की हैं, लेकिन इसके पीछे उन शक्तियों का उद्देश्य क्या है, यह सवाल अत्यंत रहस्यमय और गंभीर भी है। अतः देश हित में यह आवश्यक है कि सरकार इस तथ्य की जांच सीबीआई, आईबी या एनआईए से करवाए कि निर्भया के हत्यारे, चारों बलात्कारियों के संरक्षक कौन लोग हैं, उनका एजेंडा क्या है। मुझे आश्चर्य होता है कि इतने गंभीर तथ्य पर देश की मीडिया ने भी आज तक ना तो ध्यान दिया ना ही कोई सवाल पूछा। यह केवल हमारी न्यायपालिका की ही विफलता नहीं है, विधायिका और अर्थ लोलुपता की सब सीमाएं तोड़ चुका हमारा समाज भी उतना ही दोषी है। क्या समाज इन वकीलों का सामाजिक बहिष्कार करने की सपने में भी सोच सकता है।
आज नहीं तो कल सभी देशवासियों को इसके लिए एकजुट होना होगा, क्योंकि यह हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। हमें विधायिका पर कानून सख्त बनाने के लिए दबाव बनाना होगा और साथ ही पैसों की खातिर इन अपराधियों को बचाने वाले वकीलों के साथ कैसा व्यवहार हो इसके विषय में समाज को भी विचार करना चाहिए। कहीं स्वर्ग में निर्भया भी इन राक्षसों को लटके हुए देख रही है। अब और निर्भया कांड नहीं, अपने बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाना भी समाज की ही जिम्मेदारी है।